हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं सोनी का साउंड सिस्टम। और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अनबॉक्सिंग किंग में। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। अभी हम आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे अपना पूरा बॉक्स, उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या फीचर्स हैं। और ये साउंड सिस्टम बहुत ही कम रेंज में बहुत ही बेस्ट है। अभी आपको आपके साथ अनबॉक्स करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, ये है हमारा बॉक्स सोनी के साउंड सिस्टम का, जिसका मॉडल नंबर है SAD40। SAD40 मॉडल नंबर है, ये आप लोग देख सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ पास से। ये है हमारा बॉक्स और काफ़ी बड़ा बॉक्स है ये हमारा, ये आप लोग देख सकते हैं। सोनी SAD40 इसका नाम है। 4.1 साउंड सिस्टम है हमारा। और हम इसको खोल के दिखाते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स को कर लिया हमने कट, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है अंदर। देखिए, सबसे पहले हमें इसके जो है यूज़र मैनुअल्स मिल जाते हैं। खोलते ही इसको हम रखते हैं साइड में, और फिर अंदर है थर्माकॉल। तो दोस्तों, बॉक्स को खोलने के बाद हमें मिलता है यहाँ पे एक थर्माकॉल। हमने इसको निकाला और यहाँ पे कुछ हमें अपने छोटे छोटे स्पीकर्स दिख रहे हैं, और इसको भी अभी हम रख देते हैं साइड में, बाद में खोलेंगे। और इसको निकालने के बाद ये है हमारा बेस के लिए बेस बॉक्स जिसे कहते हैं, और इसको भी हम बाहर निकालते हैं आराम से। ओके, तो दोस्तों इसको हमने निकाल लिया है बाहर, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। और बॉक्स हो गया हमारा खाली, ये देख सकते हैं। बॉक्स को खाली कर लिया तो ये भी निकाल लेते हैं। स्ट्रिप पैकिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं तो तरीके से पूरा पैक करता है। और फिर हम इसको काटने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4, ये 4.1 है हमारा साउंड सिस्टम। तो ये हमारे 4 स्पीकर्स हैं साथ में। ये इसकी जो है केबल है, जिसके साथ हमें अडॉप्टर मिलता है, जैसे लैपटॉप्स के साथ आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी सारी बिजली को ये अपने हिसाब से चलाएगा। साथ में मिलता है हमें इसका रिमोट कंट्रोल सोनी का, आपको दिखा देता हूँ बाहर निकाल के। और ये आप देखते हैं, ये हमारा इसका रिमोट कंट्रोल है। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, ये इसका छोटा सा रिमोट कंट्रोल है, इसको हम रखते हैं साइड में। और ये इसकी चार्जिंग केबल थी, ठीक है, ये इसको चलाने के लिए लीड थी इसकी। साथ में इन्होंने हमें 2 एक्स्ट्रा लीड और दी हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, ये इसको साउंड सिस्टम को चलाने के लिए शायद इसमें कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल इसमें सिस्टम ऐसा दे रखा है जैसे लैपटॉप्स में रहता है। ये इसकी केबल लगेगी बोर्ड में, देन अडॉप्टर है, अडॉप्टर में यहाँ पे लगेगी, और फिर ये कनेक्ट होगी हमारे साउंड सिस्टम से। ये आप तो देख सकते हैं, इसको मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। ये इसका अडॉप्टर है, ठीक है, ये इसकी केबल है जो हमारे साउंड सिस्टम में लगेगी। और ये जो नेक्स्ट केबल, अच्छा, साथ में हमें सेल भी दिए हैं 2 सोनी के ही। सोनी के 2 सेल हैं हमारे पास रिमोट के लिए। और साथ में हमें मिलता है ऑक्स, बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का हमें ऑक्स मिल जाते हैं फ़ोन से गाने वगैरह बजाने के लिए। तो ये सब हो गया, ये थर्माकोल वगैरह हम इसमें डाल देते हैं वापस। ओके, और ये अपने स्पीकर को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये इनकी लीड है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ लीड में कितनी अच्छी बात है जो हम इससे कनेक्ट करेंगे अपने बेस बॉक्स से। आपको दिखा देता हूँ, तो ये हमारे 4 स्पीकर्स हो गए। ये सब हम रख देते हैं साइड। ओके, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे स्पीकर्स कैसे हैं। बहुत ही अच्छी कर रखी है इन्होंने। मैं आपको एक स्पीकर खोल के दिखा देता हूँ, बाकी मैं 4 को खोलने के बाद फिर जब पूरा कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा स्पीकर है, ये आप देख सकते हैं सोनी की ब्रांडिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, शाइनिंग मार रहा है।
और देख सकते हैं आप इसको पीछे लटकाने के लिए, अगर आप इसको वॉल पर टांगना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने स्लॉट दे रखा है, आप उसको आराम से इसको टांग सकते हैं, हैंगिंग कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता था इसकी लीड बहुत ही बड़ी है, काफ़ी अच्छी है, आप इसको अपने रूम में अपने हॉल में अच्छे तरीके से दूर से दूर तक तो लगा सकते हैं। प्लस जब ये हमारे साउंड सिस्टम से कनेक्ट होगी तो कनेक्ट करने के लिए इसमें कुछ ऐसा दिया गया है, क्लिप है ये, तो बहुत ही आराम से कनेक्ट हो जाएगी ये, तो ये सबसे बेस्ट बात लगी मुझे इसकी। अभी मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ कि हमारा बेस बॉक्स कैसा है। तो दोस्तों मैंने आपको स्पीकर अपना खोल के दिखा दिया, उसकी क्लिप वगैरह मैंने आपको दिखा दी, चार्जर तो मैंने दिखा दिया, रिमोट आपको मैंने दिखा दिया साउंड सिस्टम का। अब मेन पार्ट है हमारा जो इसका बेस बॉक्स है, उसको हम खोलते हैं। और इसकी भी पैकिंग बहुत अच्छी है, इस पर येलो कलर की टेप है और बहुत प्यारे तरीके से उसको पैक किया गया है। और मे भी ये वुड का है, लकड़ी का है ये, मैं आपको भी पास से दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको खोल लेता हूँ पूरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इसका बेस बॉक्स है, देखिए ये देखिए, ये सामने इसके सारे फीचर्स के लिए यहाँ पे दे रखा है, बटन्स वगैरह इसमें हमें मिल जाता है, सामने यूएसबी के लिए पेन ड्राइव लगाने के लिए आपको स्लॉट मिल जाता है, ये साउंड शिफ्ट के लिए बटन मिल जाते हैं, और इसके फंक्शंस हैं यूएसबी, ब्लूटूथ, और ये इसका पावर बटन है, ठीक है। साइड में कुछ नहीं है, नीचे से सिंपल है। और बैक की बात करें तो इसमें सबसे बढ़िया बात है कि इसका जो ऑक्स स्लॉट है वो साइड में है, ऑक्स आपकी यहाँ पे लगेगी और जो इसके स्पीकर से वो कनेक्ट होंगे यहाँ नीचे, ठीक है। तो हमारा बेस बॉक्स जो है मैं आपको दिखा दिया, स्पीकर्स मैंने आपको दिखा दिए, अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे की वीडियो दिखाऊंगा। चलो स्पीकर्स खोलने के बाद इसमें कनेक्ट करके फिर दिखाते हैं, चलिए। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग हमारी लगभग लगभग हो चुकी है, अब बस इसको कनेक्ट करना रह रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कनेक्ट करके कि ये कैसे होगा, ठीक है। ये जो हमारा इसका अडॉप्टर है उसको हमने खोल लिया है, और ये इसके अडॉप्टर की केबल है, ये हमने खोल ली। इसका ये जो स्लॉट है ये लगेगा हमारे साउंड सिस्टम में पीछे, और ये जो केबल है ये अडॉप्टर से कनेक्ट होगी, जैसे आप लोगों पे लैपटॉप होंगे तो लैपटॉप में ऐसा ही आता है, ठीक है, ऐसे ही साउंड सिस्टम है। ये देख सकते हैं आप, ये लगेगी इसके अंदर, ये हमने लगा दी, ओके ये लग गया, ठीक है। देन इसके बाद इसका जो ये वाला स्लॉट है ये आपका बोर्ड में लग जाएगा, और इसका जो ये वाला स्लॉट है ये लगेगा आपका इसके बैक में, यहाँ पे ये बैक में यहाँ लग जाएगा। और ये जो हमारे स्पीकर्स हैं, ये स्पीकर हमारा कनेक्ट होगा यहाँ, अगर इसको आप जहाँ भी रखना चाहें, इसके नीचे की साइड है इसका स्लॉट, और कुछ नहीं करना, सीधे सी क्लिप लेनी है और देन लग गया, सो इजी सिंपल। अब इसको कनेक्ट करके पूरा मैं आपको सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ गाने बजा के, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों सेटअप हमारा हो गया कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं लाइट जल रही है, सारे कनेक्शन हमने कर दिए हैं, और हमारा सिस्टम भी तैयार हो गया है, ओके। 1 2 3 4 चारों स्पीकर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये हमारा बेस बॉक्स है, ऑन हो गया था सीधा बोर्ड में प्लग लगाते ही। ऑन होने के बाद मैंने सिंपली इसका, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, इसके रिमोट पे बटन है फंक्शंस का, मैंने फंक्शंस पे फर्स्टली मैंने इस पर ग्रीन पे बटन पे क्लिक किया था, तो ये हमारा इसकी ब्लू लाइट ऑन हो गई थी। उसके बाद मैंने फंक्शंस पे क्लिक किया, तो फंक्शन से ये मेरा यहाँ से घूमता हुआ टीवी, देन यूएसबी, फिर ब्लूटूथ पर आया, ब्लूटूथ पे इसकी ब्लिंक कर रही थी ब्लू कलर की लाइट, फ़ोन से मैंने कनेक्ट किया, और ये सेटअप हमारा हो गया तैयार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ एक बार, चलो जी गाना बजाओ। दोस्तों ज़्यादा गाने बजाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे अगर बॉलीवुड बजाऊंगा तो, बट साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बात रही इसकी एमआरपी की तो मैं बताना भूल गया, एमआरपी मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स के ऊपर, मॉडल नेम याद रखना SAD40 सोनी, एमआरपी इस पे थी 8,990 रुपये,
जब आप इसको किसी शॉप पे लेने जाओगे तो आपको, मुझे कितने का पड़ा मैं बताया, तो मेरे को शॉप से पड़ा ये 7950, 7950 रुपये का, ठीक है। साउंड क्वालिटी अल्टीमेट है, मस्त है एकदम, एक घर के लिए, एक हॉल के लिए बहुत बढ़िया है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।